चलिए 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 गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन चलिए 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 गाइस, तो वेक्टर इंटीग्रेशन में आपको बता दें कि हमें वेक्टर को इंटीग्रेट करना है। ये तो सभी लोग समझ गए कि होंगे कि सर वेक्टर में हम वेक्टर को इंटीग्रेट करेंगे, बट उसे हम किस प्रकार से करेंगे, हम उसे किसी लाइन के अबाउट करेंगे, किसी कर्व के अबाउट करेंगे, एंड देन अभी हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल में किसी सरफेस के अबाउट इंटीग्रल करेंगे, उसका किसी वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये वन बाय वन हम तीन चीजें पढ़ेंगे, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे, क्या सर, लाइन इंटीग्रल। चलिए तो हेडिंग डालिए सभी लोग, लाइन इंटीग्रल। चलिए आइए सभी लोग, यहां पर अगर लाइन इंटीग्रल की बात करें भैया, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सर कोई भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, लेट अस सपोज सर वी हैव अ वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर एफ, जो कि आपके पास है एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। लेट अस सपोज आपके पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप, आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको इस वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना है, बट अगर आपको उसे इंटीग्रेट करना है माय डियर, तो उसे आपको कहीं ना कहीं से लेकर तो इंटीग्रेट करना होगा, मींस आपको इसके इंटीग्रेशन लिमिट तो आपको लेनी होगी। तो यहां पर अगर हम बात करें लाइन इंटीग्रेशन में, हम उसे क्या करते हैं, लेट अस सपोज यस हमारे पास कोई कर्व है सी, हम उसे इसके अबाउट इंटीग्रेट करना चाहते हैं। सर अगर आप इसके अबाउट इंटीग्रेट करना चाहते हैं, लेट अस सपोज आपके पास ये पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और इसके कोऑर्डिनेट से आपके क्या अप टू b, ये हो गया आपका x2 कॉमा y2 कॉमा z2। नाउ लाइन इंटीग्रल की अगर बात की जाए, तो लाइन इंटीग्रल में आप एक चीज को तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि सर अगर हम एक लाइन के उसमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सर यहां पर हम सिंगल इंटीग्रेशन करेंगे। सरफेस की अगर हम बात करें, तो एरिया की बात आएगी, एरिया में हम क्या करते हैं सर, डबल इंटीग्रेशन करते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करें, तो जहां पर क्या होगा सर, वॉल्यूम की बात आएगी, हमें पूरा की पूरा वॉल्यूम को अंडर कंसिडरेशन में रखकर पूरे वॉल्यूम को लेना है हमें, तो हम उसमें जब उससे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा सर, ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा। तो यहां पर अगर हम लाइन इंटीग्रल की बात करें, तो आपने ये कहा सर, लेट अस सपोज हमारे पास डीआर वेक्टर है, डीआर वेक्टर क्या है सर, आर क्या था सर, आर इज नथिंग बट द पोजिशन वेक्टर, आर आपका क्या था सर, पोजीशन वेक्टर, उसे हमने क्या किया, डेरिवेट कर दिया, तो क्या हो गया सर, डीआर वेक्टर, ये क्वांटिटी क्या होगी सर, दिस इज नथिंग बट डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप प्लस ऑफ डीजेड के कैप। जल्दी से बताइए यही होगा, यस और नो, यस। और अगर हम इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, अगर आप इन वेक्टर क्वांटिटी को आप इंटीग्रेट करना चाहते हो लाइन इंटीग्रल में, तो आप क्या कहेंगे सर, इसका लाइन इंटीग्रल की अगर बात की जाए, तो ये क्या होगा सर, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और इसे आप इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक सर जी, ए से लेके बी तक, फ्रॉम ए टू बी, मींस ए इज एक्स वन वाई वन जेड वन टू एक्स टू वाई टू जेड टू तक। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर, तो आपको क्या करना है सर जी, डॉट प्रोडक्ट करना है, और अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी सर, दिस इज f1 dx प्लस ऑफ f2 dy प्लस ऑफ f3 dz। जल्दी से बताइए यही होगा, यस सर। अब स्टूडेंट्स को लगता है सर ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या ही है, हम एक काम करेंगे सर, इसमें लगा देंगे x1 से लेके x2, और इसमें लगा देंगे सर x y2 सर y1 टू y2, एंड इसमें हम लगा देंगे सर जी z की लिमिट z1 टू z2। जल्दी से बताइए यही करोगे, आइए ना, आपने क्या किया सर, f1 dx plus f2 dy plus f3 dz दिख रहा है, तो सर बहुत ही सिंपल है
सर dx की लिमिट कहां से कहां तक वेरी हो रही है? सर अगर देखा जाए तो x1 टू x2, y की लिमिट कहां से कहां वेरी हो रही है? y1 टू y2 एंड z की लिमिट कहां से कहां वेरी हो रही है? सर z1 से z2। तो सर इसे इंटीग्रेट करने में क्या दिक्कत है? फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या वेक्टर इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लाल? आपने इसमें एक बहुत ही गलत चीज सोची। आपने कैसे डिसाइड कर दिया कि आपका ये जो f1 है ये सिर्फ फंक्शन ऑफ x होगा? मुझे बताइए आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि ये जो f1 है ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ x होगा? अगर ये फंक्शन ऑफ y एंड z हो गया मेरे लाल, अगर ये f1 फंक्शन ऑफ y एंड z हो गया तो फिर आप इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे? आपके बगल में तो dx लिखा हुआ है। और अगर ये f2 फंक्शन ऑफ सर अगर x एंड z हो गया या फिर y भी रह गया तो सिर्फ dy के होते हुए तो आप उसे इंटीग्रेट कैसे करोगे? तो जो आपने सोचा है कि सर डायरेक्टली इसकी हम लिमिट लेंगे और इसे इंटीग्रेट कर देंगे, माय डियर ये बहुत ही ज्यादा गलत सोचा। यस इट मे बी पॉसिबल कि हो सकता है f1 f2 f3 जो है f1 सिर्फ फंक्शन ऑफ x हो, f2 सिर्फ फंक्शन ऑफ y हो, f3 सिर्फ फंक्शन ऑफ z हो। अगर ये ऐसा रहा तो आप यस इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बट ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। यस ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए, f1 सिर्फ x का फंक्शन है, f2 सिर्फ y का, f3 सिर्फ z का। बट ऐसा नहीं, आपको ऑलवेज रेडी फॉर द वर्स्ट। आपको हमेशा किसके लिए रेडी रहना है? वर्स्ट केस के लिए रेडी रहना है। और वर्स्ट केस की अगर बात करी जाए तो अगर f1 फंक्शन ऑफ y एंड z भी हो गया तो फिर आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो माय डियर आप क्या कहेंगे कि सर हम डायरेक्ट ये जो लिमिट लिख रहे हैं सर ये डायरेक्ट लिमिट हम नहीं लिखेंगे। यस समझे, जल्दी से बताइए। पहली बात ये बताइए, आप ये लोग समझे सभी लोग? यस सर एक्चुअल में हम क्या गलती कर सकते हैं? जल्दी से बताइए हमारे लिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझे कि नहीं? मेन जो है कोई भी कंसेप्ट को आप समझे तो उसमें सबसे पहले समझे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम समझिए फिर उसका जो सोल्यूशन रहेगा मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उससे दूर कैसे करेंगे। और जब वो प्रॉब्लम समझ आती है तभी तो ये समझ आता है कि ये क्वेश्चन जो है हम उसे उसी ही तरीके से क्यों कर रहे हैं। जल्दी से बताइए सभी लोग प्रॉब्लम समझे, जल्दी से बताइए सभी लोग प्रॉब्लम समझे। यस सर चलिए वेरी गुड। चलिए तो आपने ये कहा कि सर जी वो सब चीजें तो ठीक है, हमें ये सारी चीजें समझ आ गई कि सर लाइन इंटीग्रल होता क्या है। अभी हमें ये आ गया कि ओवरऑल लाइन इंटीग्रल क्या है। सर लाइन इंटीग्रल इज नथिंग बट इंटीग्रेट अ वेक्टर अलोंग अ कर्व सी फ्रॉम ए टू बी, और कुछ नहीं होता है। सर हमें इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ए टू बी तक में। तो आपने क्या करा, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर एंड दिस वन इज एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड, ये हो गया लाइन इंटीग्रल। बट उसे करेंगे कैसे, उसके लिए आपको क्या है सर जी एक आइडिया का ध्यान रखना है। सर जी क्या आइडिया का ध्यान रखना है मुझे एक बात बताइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम मेरी ये है कि सर मेरे बगल में यहां पर सिर्फ dx लिखा हुआ है और अगर f1 फंक्शन ऑफ y एंड z हो गया तो फिर मैं उसे इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। यस yes, आप फिर उसे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। बट अगर आपका f1 में y और z भी रहा, अगर आपके फंक्शन में y और z भी रहा और हम उस y और z को सिर्फ एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दे तो काम हो जाएगा? अरे बताओ इसे dx को भी किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। Let us suppose आपने इस dx को कन्वर्ट कर दिया किसमें, t में, और जो आपके x y z है उसे भी आपने t में कन्वर्ट कर दिया तो ये f1 हो जाएगा फंक्शन ऑफ t और यहां आ जाएगा dt। तो मुझे ये बताइए आप इंटीग्रेट कर पाएंगे आप? यस सर अगर सिंगल वेरिएबल में चीजें हो गई तो सर इंटीग्रेशन करना हमारे लिए कोई भी डिफिकल्ट काम नहीं। तो माय डियर यहां पर सिंपल सा आप मुझे बताइए कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, बताइए। जब मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था तब वहां पर आपको बताया गया था कि आप कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे। माय डियर बहुत ही सिंपल सा काम है, आप क्या करते थे वहां पर सर, एरिया जो है या फिर जो भी लेंथ है या जो भी कर्व है या फिर जो भी वॉल्यूम है जिसे हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं उसका हम क्या निकालते थे सर, पैरामेट्रिक फॉर्म। हम उसका क्या निकालते थे सर, पैरामेट्रिक फॉर्म। और पैरामेट्रिक फॉर्म में वह कन्वर्ट हो जाता था सर किसी एक वेरिएबल में या दो वेरिएबल में और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता। सेम आपको यहां पर भी आपको सेम ही करना है, क्या
आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है? सर जो कर्व सी है जिसके अलोंग हम ले रहे हैं इंटीग्रेशन, उसे हम कन्वर्ट करेंगे किस में? सर किसी एक वेरिएबल में, मींस कन्वर्ट सी इनटू पैरामेट्रिक फॉर्म। Convert C into what? Sir, convert C into parametric form. It's time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging JET contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, An Academy Combat is the most competitive gamified contest for JET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. An Academy Combat. Register now.